बड़े खुशी से बड़े गर्व से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। पिछले काफ़ी समय से पूरे देश के सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और वो अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का अधिकार है कि उनको पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाए, क्योंकि कर्मचारियों के माध्यम से ही हर सरकार चलती है। जनता की आवाज़ कर्मचारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है और सरकार की योजनाएं जो है वो कर्मचारी के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इस अनुक्रम में कर्मचारी सबसे अहम कड़ी है जनता और सरकार के बीच की, लेकिन सारी सरकारें मिलकर कर्मचारियों को अन्याय कर रही है। इस माहौल में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब ने और हमारे आदरणीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि पंजाब के सारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। चुनाव से पहले जो भी बात बोली गई वो चुनाव के तुरंत बाद पूरी करने वाली देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए पूरे देश का भरोसा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर है। गुजरात के सरकारी कर्मचारी भी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी बार मोर्चा निकाला है, रैलियां निकाली है, जनसभाएं करी है, काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया। सारा करने के बाद भी भ्रष्ट बीजेपी की सरकार ने अपने ही कर्मचारियों की मांग को नज़रअंदाज किया हुआ है। तब मैं गुजरात के सारे कर्मचारियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। थैंक यू।